आज होंडा ने इंडिया में होंडा सिटी का हाइब्रिड वर्जन लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको 26.5 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाता है। इस वीडियो में हम न्यू होंडा सिटी में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, कितने वेरिएंट्स आते हैं एंड होंडा सिटी हाइब्रिड के एक्सपेक्टेड प्राइसेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यू होंडा सिटी हाइब्रिड में क्या न्यू है। होंडा सिटी हाइब्रिड के डायमेंशंस तो एग्जैक्टली सेम है पेट्रोल या डीजल होंडा सिटी से, बट ड्यू टू एडिशन ऑफ लिथियम आयन बैटरी होंडा सिटी हाइब्रिड का बूट स्पेस नॉर्मल होंडा सिटी से कम हो गया है। होंडा सिटी हाइब्रिड में आपको 410 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जहां पे पेट्रोल होंडा सिटी में आपको 519 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। एंड नॉर्मल होंडा सिटी में आपको फ्रंट व्हील्स पर डिस्क ब्रेक्स मिलती थी, बट होंडा सिटी हाइब्रिड में आपको चारों व्हील्स पर डिस्क ब्रेक्स मिलती है। एंड उसके सिवा एक्सटीरियर में हाइब्रिड होंडा सिटी में आपको फ्रंट ग्रिल में माइनर चेंजेस देखने को मिलेंगे। फॉग लैम्प का हाउसिंग डिफरेंट मिलेगा, रियर में बॉडी कलर स्पॉइलर मिलेगा एंड रियर बम्पर डिफ्यूजर कार्बन फाइबर फिनिश में मिलेगा, जो उसको पेट्रोल होंडा सिटी से ज्यादा स्पोर्टी एंड डिफरेंट बनाती है। एंड उसके सिवा रियर बम्पर में eHEV का बेजिंग एंड ब्लू आउटलाइन वाला होंडा का लोगो मिलेगा फ्रंट एंड रियर दोनों बम्पर्स में। इसके सिवा होंडा सिटी हाइब्रिड में विजुअली कोई डिफरेंस नहीं है, बट जो मेन डिफरेंस है वो है अंडर द हुड यानी कि इंजन में। न्यू होंडा सिटी हाइब्रिड में आपको 1.5 लीटर्स का i-VTEC पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसके साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर्स कनेक्टेड हैं। इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों को कंबाइन करके आपको होंडा सिटी हाइब्रिड में 126 PS का पावर एंड 253 Nm का टॉर्क मिल जाता है। एंड ज्यादा पावर के साथ भी आपको होंडा सिटी हाइब्रिड में फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा मिलती है। होंडा सिटी हाइब्रिड में आपको 26.5 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलती है। एंड होंडा सिटी हाइब्रिड में 3 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, बट ये तीनों ड्राइविंग मोड्स आपकी कार की स्पीड एंड ड्राइविंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होता है। आप मैन्युअली हाइब्रिड मोड्स या पेट्रोल मोड सिलेक्ट नहीं कर सकते। एंड उसके सिवा होंडा सिटी हाइब्रिड में इंपॉर्टेंट चीज जो ऐड हुई है वो है होंडा सेंसिंग के फीचर्स। ये एक तरह से एडास वाले फीचर्स हैं, बट ये रेडार बेस्ड एडास नहीं है। होंडा सिटी हाइब्रिड में फ्रंट कैमरे के थ्रू आगे का रोड स्कैन होता है, जिससे होंडा सेंसिंग के फीचर्स वर्क करते हैं, जिसमें आपको टोटल 5 फीचर्स मिलते हैं। फर्स्ट, कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम, जिसमें फ्रंट कोलिजन अवॉइड करने के लिए कार अपने आप ऑटो ब्रेक्स लगा देती है। सेकंड, रोड डिपार्चर मिटिगेशन, जिसमें अगर आप विदाउट इंडिकेशन आपकी लेन से बाहर जाते हो तो कार आपको लेन में रखने का ट्राई करती है। थर्ड, लेन कीप असिस्ट, जिसमें कार लेन के सेंटर में रहने का ट्राई करती है विद ऑटोमेटिक स्टीयरिंग रिस्पॉन्स। फोर्थ, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, जिसमें आप एक स्पीड पे हाईवे पे क्रूज कर सकते हो, बट अगर आगे वाली कार की स्पीड कम हो तो आपकी कार भी उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक स्पीड एडजस्ट कर देगी। एंड फिफ्थ, ऑटो हाई बीम, जिसमें कार ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगी कि कब लो बीम रखना है एंड कब हाई बीम। इसके सिवा सेफ्टी वाइज आपको सारे फीचर्स सेम मिलते हैं जो आपको नॉर्मल होंडा सिटी में मिलते हैं। मींस आपको 6 एयरबैग्स, लेन वॉच कैमरा, ABS, EBD, हिल होल्ड एंड व्हीकल स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। एंड रही बात इंटीरियर की, तो इंटीरियर में फीचर्स में 1-2 न्यू फीचर्स ऐड हुए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, अपडेटेड डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर विद हाइब्रिड इंफॉर्मेशन एंड अपडेटेड होंडा कनेक्ट कनेक्टेड कार फीचर्स। एंड होंडा सिटी हाइब्रिड में पेडल शिफ्टर्स की जगह रीजनरेटिव ब्रेकिंग लेवल सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। एंड इंटीरियर का कलर थीम भी चेंज हुआ है, जो अब आपको आइवरी एंड ब्लैक ऐसे ड्यूअल टोन में मिलता है। इसके सिवा होंडा सिटी के इंटीरियर में कोई चीज चेंज नहीं हुई है। मीन्स आपको सेम 8-inch इंफोटेनमेंट स्क्रीन, इलेक्ट्रिक सनरूफ, 7-inch MID एंड ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स सेम मिलेंगे जो नॉर्मल होंडा सिटी में मिलते हैं। एंड अगर बात करें वेरिएंट्स की, तो होंडा सिटी हाइब्रिड ओनली सिंगल वेरिएंट ZX में अवेलेबल होगी, जो फुल्ली फीचर लोडेड होगा। एंड अब बात करते हैं प्राइस की। होंडा ने अब तक सिटी हाइब्रिड की ऑफिशियल प्राइस तो अनाउंस नहीं की है, बट एज पर रिपोर्ट्स होंडा सिटी हाइब्रिड की एक्सपेक्टेड प्राइस 18-20 लाख के बीच होगी। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो और न्यूली लॉन्च्ड होंडा सिटी हाइब्रिड। तो आपको क्या लगता है होंडा सिटी हाइब्रिड सक्सेस जाएगी इंडिया में, एंड आपका क्या गैस है होंडा सिटी हाइब्रिड के प्राइसेस के बारे में? आपका ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।